हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये कांवड़ियों के लिए पुलिस की डिपार्टमेंट की ओर से रखा गया है। यहाँ देख रहे हैं कांवड़िया जा रहे हैं बम बम बोले। यहाँ मौके पर बता दूं इस वक्त तमाम जितने फैदाबाद की पुलिस है या फैदाबाद के जितने भी थाना क्षेत्र है लगातार इस रूट पर आपको बता दूं सुरक्षित रखा गया है कि जिस कांवड़ियों को जाना है यहाँ के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। साथ में आप गादूखेड़ी थाना के एसएचओ खुद मौके पर हैं, उधर भी आप देख लीजिए उधर बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया है सभी को, क्योंकि जितने भी आउटसोर्स है ट्रैफिक है वो नहीं आएगा यहाँ पर, बाइकर्स हो या फिर गाड़ियां हो वो मना कर दिया गया है। मौके पर एसएचओ खड़े हैं, जाने की कोशिश करते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, किन किन ट्रैफिक कौन कौन लोग निकल सकते हैं और ये रास्ता किन के लिए सर अलॉटेड है? देखिए जी, आगरा कैनाल का जितना भी बाईपास का जो रोड है ना, वो जो बॉम्बे हाई एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसकी वजह से थोड़ा ऑब्स्टिकल है। तो जितना भी नहर पार का व्हीकल है, जो भी नहर पार का हमारा व्हीकल है उसको क्रॉस कराने के लिए जो हाईवे तक अपना बाईपास तक जाएंगे, जितना नहर पार सारा हमने जितने भी पुल बने हुए यहाँ से लेकर करीब 15-16 पुल बने हुए हैं बल्लभगढ़ तक बॉर्डर से लगा के, तो उनको पुल का रास्ता दिया गया क्रॉसिंग के लिए कराए, ये सिर्फ ओनली कांवड़ियों के लिए डाइवर्ट किया गया। अच्छा, तो यहाँ मान के चलिए कई व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि किसी को तकलीफ हो जाए, कोई कांवड़ी आ रहे हैं उनको तकलीफ हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था रखी गई? देखिए हमारे पूरे उस पर अपने प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस इस रूट पर लगाई हुई है, कोई भी हो जाए अगर जो ऐसी अच्छा होता है भगवान ना करे, लेकिन फिर भी हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की कराई हुई है और वैसे भी हम हर जगह जब मुलाजिम लगे अपने पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं, डायल 112 भी कॉल कर सकते हैं। तो अभी मान के चलिए किसी को अगर मान लीजिए कोई यहाँ आसपास के लोग रह रहे हैं तो वो अगर मान लो किसी तकलीफ होती है या जाना चाहते हैं तो कैसे उनके लिए व्यवस्था रखी गई है? देखिए कोई अगर जो इमरजेंसी है, अगर जो इमरजेंसी और जाना यही रूट बनता है तो उसके लिए भी हम बिल्कुल क्रॉसिंग कराए गए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, सुरक्षा को लेकर मतलब बैरिकेडिंग सब जगह रास्ते बंद कर दिए गए, सारे जितने भी पुल बने हुए सारे पर बैरिकेडिंग कर दिए गए, नहर पार का सिर्फ जो भी आउट बाईपास की तरफ आउटर बाईपास की तरफ जाएगा तो सिर्फ पुल का ही यूज करेगा। अच्छा, कौन कौन लोग जा सकते हैं, मान लो कहते हैं ना कि ये लोग जा सकते हैं अगर बाय द वे होता है? देखिए अगर जो किसी की इमरजेंसी है तो उसको यहाँ से निकाल दिया, जैसे कोई बीमार है इमरजेंसी है और एम्बुलेंस वगैरह क्रॉस करानी तो उसके लिए ही है, बाकी ना तो कावड़ के लिए समझ सिर्फ कावड़े पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मौके पर खुद खेड़ी थाना के एसएचओ हैं सुभाष जी, वो खड़े हैं और जो भी कांवड़ यहाँ से निकल रहे हैं ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। ताकि आपको बता दूं बहुत ही यहाँ पर शाम के टाइम पर ट्रैफिक बड़ा लग जाता है, क्योंकि 29 की यह पुल बोला जाता है क्योंकि 28 से लगातार जितने भी लोग निकलते हैं या नहर पार बीपीटीबी साइड में या इधर जो निकलते हैं वो लगातार लोग इधर से निकलते हैं, जिसको देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार लोग खड़े हैं। वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहाँ पुलिस बूथ है, वहाँ गाड़ी लगा दी गई है, 112 भी यहाँ मौके पर खड़ी है और राउंड अप लगातार चलता है कि कोई परेशानी ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसको देखते हुए पूरी टीम खड़ी है। दरअसल क्या है कि एडवाइजरी जारी की है, ये आगरा नहर कालिंदी कुंड से लगातार आगरा नहर होते होते ये कांवड़ियों के लिए रास्ता दिया गया है, क्योंकि आउट जितने भी हाईवे है या फिर आपके मथुरा रोड पर हाईवे है वहाँ से मना ही है या फिर आपका बाईपास है वहाँ से मना ही, क्योंकि बाईपास पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए हाईवे बन रहा है तो इस चक्कर वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसलिए हमेशा की तरह जैसे ये नहर पर आपको बता दूं नहर जिस नहर पर हम चल रहे हैं इसी नहर किनारे आपको ये कांवड़ियों के लिए रास्ता दिया गया है। जितने भी लोग तमाम आप देख रहे हैं अगर आप अपने एरिया में अगर निकलते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो जरा ध्यान से निकलिएगा, क्योंकि ये रास्ता अपनाए नहीं, हाँ कुछ दिन तक आपको हो सकता है ट्रैफिक को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पुलिस फैदाबाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ बता दूं तमाम जितने भी थाना क्षेत्र एरिया है वहाँ पर पुलिस बढ़ा दी गई है, ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पर भेजा गया है क्योंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब कोई भी परेशानी जनता को ना आए इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि अब कांवड़िया लगातार वापस आ रहे हैं और आपको बता दूं उसके बाद शिवरात्रि पर यहाँ पर जल चढ़ाए जाएंगे, इसको लेके उसके तमाम जितने भी अधिकतर इसी रूट पर यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं, वो भी शिविर अधिकतर इस साइड राइट साइड में मिलेंगे, जितने भी आपको शिविर मिलेंगे सारे इस साइड में मिलेंगे, कोई भी चीज़ों पर आपको जितने भी और भी अगर आपको लगता है कि कोई भी एडवाइजरी देखनी है तो फैदाबाद पुलिस की वेबसाइट पर जाकर सारी एडवाइजरी देख सकते हैं, क्योंकि फैदाबाद पुलिस इस समय पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर है, खासकर कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई परेशानी ना आए इसको देखते हुए बड़े ध्यान से हर जगह मुस्तैद कर दी गई हैं। ये देखिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ मना किया जा रहा है कि कोई ट्रैफिक आ भी रहा है तो उसके लिए पहले वापस कर दिया जाता है कि रास्ते में कुछ भी लोग आ रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जाए ताकि किसी को भी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए आप जितने भी लोग साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि लोग बड़े ध्यान से सावधानी के साथ निकलिए, क्योंकि शहर है कुछ दिन तक ये बस रूट चलेगा, कुछ दिन तक आपको परेशानी आएगी, लेकिन सबको सहयोग करने की आवश्यकता है, पुलिस के साथ सहयोग करने की आपको भी आवश्यकता है और जो कांवड़िया आएंगे उनके साथ भी श्रद्धा पूर्वक आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। तो तमाम जितने भी आप हमारे साथी जुड़ रहे हैं
कोशिश कीजिएगा ये नहर आगरा किनारे जो नहर का रास्ता है इसको अभी कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, हाईवे का रूट लें या फिर बाईपास का रूट लें, थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ा सा परेशानी को सामना जरूर करना पड़ेगा। सर कुछ जनता के लिए कुछ सर जनता के लिए कुछ ऐसा है कि कुछ अपील करना चाहते हैं इस रूट के लिए बचे? बिल्कुल मेरी जनता से ये अपील है, अब जो हमारे जो शिव भक्त जो कांवड़िए चले हुए हैं रास्ते में उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, और स्पेशली मेरी कांवड़ वालों से भी जो कांवड़ यात्री है उनसे भी निवेदन है अब स्मूथली आपकी सुगम यात्रा बनी रहे, ना तो किसी अनजान आदमी से कोई ऐसी सेवाएं ले, अपना जो रेस्ट भी का समय है तो सिर्फ जो हर आधा किलोमीटर पर कहीं ना कहीं शिविर मिलता है उसी में अपने वो रेस्ट करें, और कोई भी उनको संदिग्ध लगे क्योंकि इस यात्रा के दौरान अक्सर ऐसा देखा गया है जो नशीले पदार्थ का जो अपना व्यापार करते हैं बंदे, वे बंदे इसी वक्त का मौका उठाते हैं और सीवर में कहीं कावड़ में कहीं भी ऐसा कोई संदिग्ध लगे जो अपना नशे का बेचने की कोशिश करे तो तुरंत डायल 112 है, लोकल पुलिस है उनको तुरंत सूचित। तो 24 घंटे हम मुस्तैद रहेंगे सर, राउंड भी लगा रहे हैं, बीच में कोई परेशानी ना आ रही हो? मैं खुद मेरे व्हीकल है, खुद हमारी राइडर है, ये राउंड पे है और बाकी जो फिक्स नाके लगा दिए हमने जब तक जल नहीं चढ़ जाएगा बिल्कुल 24 आवर्स पे मुलाजिम है। ठीक तो अभी जनता से मत यही अपील है कि इस रास्ते को थोड़ा अवॉइड भी मैं नहर पार जितनी भी जनता है उनसे मेरी यही अपील है जो ये अपना आगरा कैनाल का जो रूट निकाला है जो हमने कावड़ियों को लिया है इसको अवॉइड करें, और जितने भी पुल हमारे बने हुए हैं जो हमारे बाईपास को क्रॉस कराते हैं नाल को उसी को यूज करें। ठीक जी। तो चलिए ये फैदाबाद पुलिस की तरफ से आपको अपील भी है कि आगरा नहर के जितने भी आपके ये रास्ते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, कि कुछ दिन की परेशानी है लेकिन सहयोग आपको करना होगा, जनता को सहयोग पुलिस का भी करना होगा, और आपको बता दूं क्योंकि पुलिस के पास थोड़ा सा मुस्तैदी और पुलिस के पास थोड़ी सी आप बता दूं कार्य बढ़ गया है, काम ज़्यादा हो गया है क्योंकि कांवड़ियों की सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी पर है, शहर की भी सुरक्षा प्रायोरिटी पर है और जनता को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, क्राइम को कंट्रोल करने की भी जो प्रायोरिटी है वो भी फैदाबाद पुलिस के लिए बढ़ रही है, इसलिए आप तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं थोड़ा सहयोग कीजिए, कुछ दिन की बात है, परेशानी थोड़ी बहुत आएगी, आप हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।